हेलो गाइस, मैं आज आपको बताऊंगा मेरा ट्रेडिंग जर्नी और ट्रेडिंग जर्नी कैसा रहा है। और गाइस, मैं आपको बताऊंगा, वीडियो का कंटेंट थोड़ा सा आपको डल हो सकता है और वॉइस भी थोड़ा सा डल हो सकता है, लेकिन आप वीडियो का कंटेंट में मत जाइए। आप मैं जो बता रहा हूँ उसको आप समझिए, तो फिर आपको, जो आप एक बिगनर्स हो, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होगा ज़रूर। क्योंकि लिए गाइस, मैंने बिगनर से ही स्टार्ट की थी और मेरा 6 मंथ हुआ है और मैंने जो ट्रेडिंग स्टार्ट की, और मैंने बहुत कैपिटल गंवाया है और मैंने टेक्निकल एनालिसिस इतना सीखा है गाइस, आप पर दिन के 5 से 6 हज़ार रुपये दिन के इजीली कमा सकते हो, वो भी अच्छे से बिना पैसे लूज किए। तो फिर गाइस, मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, आप इस वीडियो को कंटेंट को पूरा देखिएगा और मेरा ट्रेडिंग जर्नी कैसा रहा है, मैंने कैसे सीखा है टेक्निकल एनालाइज, और मार्केट में मुझे दो चीज़ ऐसी पता चली है, इससे मतलब ऐसे स्ट्रेंथ पता चली, आप इससे, इस लॉजिक से आप करोड़ों पैसे कमा सकते हो। आपके पास इतना कैपिटल होना चाहिए, लेकिन आप कमा सकते हो दिन का तो 5 से 6 हज़ार रुपये ईजिली कमा सकते हो। तो फिर गाइस, मैं आपको फास्ट से बताता हूँ, मतलब मैंने जब ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की थी, मुझे पता ही नहीं था स्टॉक मार्केट मतलब कैसे होता है, मतलब कैसे चलता है। मेरे फ्रेंड से मुझे पता चला था स्टॉक मार्केट, मतलब वो मैं पहले वो लोग बाय करते थे, लेकिन मुझे पता नहीं था। जब कोरोना टाइम था, उन्होंने बहुत सारे प्रॉफिट कर लिया है, आपको पता ही होंगे गाइस, कोरोना में बहुत माइनस चला गया था, सारा स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था। तब उन्होंने क्या किया, बहुत इन्वेस्टमेंट करी हुई थी, मुझे पता तक नहीं था, बाद में मुझे पता चला था गाइस, और उन्होंने बहुत पैसा कमाया था, करीब 5 से 6 लाख तो इजीली कमा चुके थे उन लोग, लेकिन मुझे बाद में पता चला गाइस। तो अब मैं क्या करूँ, आपकी तरह ही हूँ गाइस, मैंने 6 मंथ हुआ है ट्रेडिंग जर्नी, मतलब कंटिन्यूसली मुझे, जब मैंने स्टार्ट की थी कंटिन्यूसली मुझे लॉसेस ही होते थे, जो भी स्टॉक बाय करता तो मुझे, अभी स्टॉक बाय किया अभी इसका शेयर का प्राइस गिर गया, ऐसा ही होता था गाइस, हर डे हर रोज़ होता था ये मेरे साथ। थोड़ा सा जब मैंने एक दो बुक मैंने पढ़ी है, बहुत ही मतलब आपका जो नेक्स्ट टेबल होता है, फिर ऑप्शन ट्रेडिंग, फिर मतलब शेयर मार्केट से, मतलब स्विंग ट्रेडिंग से उठकर मैंने शेयर मार्केट में मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग पे चला गया, और मैं देखता था निफ्टी का ऑप्शन ट्रेडिंग क्या था, मैं भी यूट्यूब पे सर्च करता था रेगुलर गाइस, मैं मतलब ऐसे टेलीग्राम, बहुत सारे टेलीग्राम आपको नज़र आता होगा, इस ए स्टॉक बाई, ए ऑप्शन बाई कर लीजिए, कॉल बाई कर लीजिए, अभी कॉल पुट कर बाई कर लीजिए, आप मत कीजिए। मैं ऐसा करते करते गाइस मेरा पूरा कैपिटल मैंने गवा दिया। एक सच बात है, आप एक बिगिनर्स हो तो फिर आप प्लीज़ मत ट्रेड कीजिए, दूसरे का नॉलेज लेके आप ट्रेड करोगे आपका पैसा पूरा जाएगा, आपको पता ही नहीं होगा कब आपको एग्जिट करना है, कब आपको बाय करना है। आपको मैसेज मतलब आपको अभी सेंड करते हैं आप बाय कर लो, आपको लेट मैसेज मतलब वो लोग सेंड करते हैं और आपको, आप अभी बाय कर ले तो आपको पूरा अमाउंट ही लॉस हो जाता है। डेली ऑप्शन ट्रेडिंग में मुझे 5 से 6 हज़ार रुपये डेली लॉस होते थे, और जब मैंने, मुझे पता चला गाइस स्विंग ट्रेडिंग से भी इतना पैसा कमाया जा सकता है, जब ऑप्शन ट्रेडिंग से भी इतना पैसा जो लोग कमा रहे हैं वो लोग स्विंग ट्रेडिंग से भी इतना कमा लेते हैं, और स्विंग ट्रेडिंग में बहुत रिस्क भी कम है, मुझे ये स्ट्रेंथ मुझे पता चला है, जो एक एक लॉजिक है। आप ऑप्शन ट्रेडिंग कमा सकते हो, आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो आप भी कमा सकते हो, लेकिन इस ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ही रिस्क है, और स्विंग ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ही कम है, और आप इसको स्विंग ट्रेडिंग में एक मतलब प्लस पॉइंट है, आप इसको होल्ड कर सकते हो, आपको जब भी आपको प्राइस इंक्रीज होता हुआ नज़र आए आप उसको सेल कर सकते हो, और ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपका जो पूरा मार्जिन है मतलब आपका जो पूरा अमाउंट है वो पूरा डूब जाता है, आपको लॉस होता है, और प्रॉफिट भी मतलब डेली का डेली प्रॉफिट भी काफ़ी हाई होता है, लेकिन ज़्यादातर हमें लॉस ही देखने के लिए मिलता है, और मैंने काफ़ी अमाउंट मैंने लॉस किया है नो डाउट। तो फिर गाइस मैंने क्या किया है, फिर मैंने देख मतलब लॉसेस करते करते, पहले मैंने 12,000 का मतलब फर्स्ट मैंने डिपॉजिट किया था मेरे डीमैट अकाउंट में, मैंने फर्स्ट मैंने ओपन किया था ग्रो पे, फिर मैं ग्रो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ग्रो, और फिर मैंने सेकेंड ओपन किया है जस्ट फिर इंटरडे के लिए, एंजल वन मैंने ओपन किया था, उसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप पैसे नहीं है तो फिर आप जाइए और इसको डीमैट अकाउंट ओपन कर दीजिए मेरे रेफरल के थ्रू, आपको भी कुछ बेनिफिट होगा गाइस।
तो फिर गाय से मैंने ग्रोथ से मैंने शेयर्स बाय करते थे, जैसे टाटा पावर। टाटा पावर में काफ़ी तब मतलब एनर्जी सेक्टर का काफ़ी मतलब रूरल मतलब काफ़ी चर्चे होते थे, न्यूज़ में चलते रहते थे। और उस मतलब टाटा पावर काफ़ी मतलब हाई वोलेटाइल भी था। फिर मैंने टाटा पावर के स्टॉक्स मैंने बाई किए थे और थोड़ा सा प्रॉफिट भी हुआ था। थोड़ा सा प्रॉफिट भी मैंने किया है और मैंने लॉसेस भी किया है। जब उसको आपका मतलब शेयर मार्केट में आप पैसे भी गंवा सकते हो विदाउट नॉलेज। आप बिना नॉलेज के आओगे तो फिर उसको गैम्बलिंग बोला जाता है, और मैंने वही फर्स्ट टाइम किया था, गैम्बलिंग पूरा किया था मैंने, और मेरा लॉसेस भी हुआ था। आप विदाउट नॉलेज मैंने पहले बताया, आपका पूरा कैपिटल आप मतलब लूज़ कर दोगे, सारा जितना भी पैसा है आपके पास सारा पैसा गवा दोगे। हाँ, दो तीन ट्रेड आपका सक्सेस भी हो सकता है और सभी का हो भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर आपको लॉसेस ही होगा। तो फिर आप सबसे पहले आपकी कीजिए थोड़ा सा नॉलेज लीजिए, मतलब टेक्निकल एनालाइज। आपको टेक्निकल एनालाइज आना ही चाहिए गाइस। कैंडल स्टिक पैटर्न आपको सभी मतलब डॉज स्टार वगैरह सब को आपको नॉलेज होना ही चाहिए। सबसे पहले मैं आपको रूल नंबर वन बताता हूँ फॉर बिगिनर्स के लिए। आपको आपको माइंड को पहले कंट्रोल कीजिए, कंट्रोल योर माइंड। जब ऑप्शन ट्रेडिंग आपको खोलता है सब आपको घबरा जाते हो, अभी कौन सा बाई करें, मतलब पुट बाई करें या कॉल बाई करें। अभी मतलब आपका दिमाग ही काम करना बंद होता है, मतलब काम करना ही बंद हो जाता है। आप डिसीजन भी आप जल्दी से देखता है, मतलब कैंडल ग्रीन होने स्टार्ट होता है आप कॉल में बाई कर लेते हो, और ऊपर से एक टेलीग्राम का मैसेज भी आ जाता है, ऐसा ही होगा गाइस। और मैंने मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, और मैंने इसको सीखा है, और मैंने उसको मेरा माइंड को कंट्रोल किया है और इसको बंद किया है, तब मेरा जाके लॉस से होना बंद हुआ। नंबर टू, आप डिसिप्लिन में रहिए, मतलब अभी इतना कीजिए। आप पूरा मतलब आप थोड़ा सा माइंड को कंट्रोल रखकर आप डिसीजन लीजिए, आपका खुद का डिसीजन लीजिए। अभी बढ़ेगा या मतलब घटेगा, मतलब नीचे जाएगा या पुट या मतलब कौन सा आपको खरीदना चाहिए, वो आपको पूरा डिसीजन से आपका खुद का डिसीजन हो तब आप बाई कीजिए, और थोड़ा सा टेक्निकल एनालाइज करके आप उसको बाई कीजिएगा। और एग्जैक्ट टाइम आपको बता दूँ, आप मार्केट अभी ओपन हुआ अभी खरीद लीजिए कॉल, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। जो सक्सेसफुल ट्रेड होते हैं गाइस, 10:30 बजे के करीब आपको अच्छी एक ट्रेड मिल जाती है, जो मार्केट का एक डिसीजन पता चलता है, जो मतलब मार्केट अभी ऊपर जा रही है बुलिश। ज़्यादातर 70% आपको 10:30 बजे तक आपको पता चलता था मार्केट अभी नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। इसलिए बताऊँ गाइस, पेशेंस रखिए, और जो भी आप ट्रेड लेते हो थोड़ा सा होल्ड कर दीजिए। होल्ड करने के बाद आपको पता चलता है, आप वो रिवर्स भी होता है, मतलब आपको मतलब जो भी आप अभी कॉल बाई कर चुके हो, थोड़ा सा स्टॉप लॉस तो नंबर टू भाई गाइस, स्टॉप लॉस तो लगाना ही लगाना है, नहीं तो आपको पूरा कैपिटल जाएगा। नंबर थ्री गाइस, आपको होल्ड करके रखना है, मतलब जो भी आपने बाई किया है उसको अभी बाई किया अभी एग्जिट कर दिया, ऐसा 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 आपको नहीं करना है। थोड़ा सा मतलब मार्केट को टाइम भी देना है ऊपर उठने के लिए। नंबर फोर गाइस, आपको बताऊँ तो फोर, आप टेक्निकल एनालाइज मूविंग एवरेज। हाँ गाइस, मूविंग एवरेज ऐसा एक टेक्निकल एनालाइज का एक मतलब पार्ट है, जो आप इससे बहुत पैसे कमा सकते हो। मूविंग एवरेज के मतलब इसका मैं जो वर्ड बता रहा हूँ गाइस, मूविंग एवरेज, आप यूट्यूब पे सर्च करके देखना, मूविंग एवरेज से आप बहुत पैसे कमा सकते हो। और टेक्निकल एनालाइज आपको काफ़ी मदद करती है, और मैंने उसको मतलब यूज़ किया है, पर्सनली यूज़ किया है, इसलिए बता रहा हूँ। आप मूविंग एवरेज को आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। और गाइस, आप वीडियो का क्वालिटी, गाइस मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा डल हो सकता है, और इसका साउंड क्वालिटी भी थोड़ा सा कमी हो सकता है गाइस। आपको साउंड क्वालिटी या वीडियो का क्वालिटी, मेरे को मतलब मेरे साउंड को सुनिए, मतलब मैं जो बता रहा हूँ उसका मतलब इसका नॉलेज लीजिए, और मेरा एक्सपीरियंस लीजिए, मतलब कैसा रहा है, आप मेरा पोजिशन किया है अभी। तो वह गाइस मतलब आपको एक सबसे बड़ा मार्केट में मैं खुलासा करने वाला हूँ। मैं इतने 6 महीने जो मैंने स्ट्रगल किया है एक बात जानने के लिए, मतलब ऐसा एक लॉजिक है शेयर मार्केट में और ऑप्शन ट्रेडिंग में भी आप बहुत पैसे कमा सकते हो, वो है ट्रेंड लाइन से।
यस गाइस, इसका खुलासा कोई भी नहीं करता, मैं आज आपको खुलासा करके दिखा रहा हूँ। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके गाइस आप दिन के 5 से 6 हज़ार रुपये या 10 हज़ार जितना आप इन्वेस्ट करते हो उसका पैसा 60 to 30% या 40% आप रोज कमा सकते हो। आप ट्रेंड लाइन आप अच्छे से ड्रॉ करके आप इजीली इतना अमाउंट कमा सकते हो गाइस। यस गाइस, ट्रेंड लाइन, आपको मुझे मेरे बात को यकीन नहीं हो रहा है, आप बुक पढ़ी है, बुक में भी ट्रेंड लाइन के बारे में पता होगा गाइस, और बुक में भी लिखा है गाइस ट्रेंड लाइन के बारे में। मुझे मैं मतलब सारे मैंने बुक पे है, ज़्यादातर आपको ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करना सीखना होगा। जस्ट आप एक बार ट्रेंड लाइन के बारे में आप जान जाओगे तो फिर आप मार्केट से बहुत पैसे कमा सकते हो। ये सारे यूट्यूब में भी किसी ने नहीं बताया है और मैं आपको बता रहा हूँ गाइस। और इस चैनल पे आप नए हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब का भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और इस चैनल को गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और लाइक करना जरूर मत भूलेगा गाइस, क्योंकि आपके लिए एक मैं मार्केट में सारा एक नॉलेज मैं आपको ले आ चुका हूँ और बिगनर्स के लिए स्पेशल है। और गाइस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ लाइक जरूर करना, क्योंकि लाइक करने से यूट्यूब आपको मतलब दूसरों का रिकमेंड करता है गाइस। प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।